अल्लाह डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ गुलसार एंड आई एम वर्किंग एज लेक्चर मैथमेटिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम आज के इस क्लास में हमने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किया है ट्वेल्थ क्लास के लिए वो है मैट्रिक्स आर यू कैन से द मैट्रिस तो मैट्रिस क्या है या मैट्रिक्स क्या है वट आर इट्स यूज एंड वट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे तो बढ़ते हैं आगे मैट्रिक्स के साथ पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स जब आप सुबह सुबह स्कूल जाते हैं लॉकडाउन से पहले जब आप स्कूल जाते थे तो सबसे पहला काम जो आप करते थे वहां पे आप प्रेयर के लिए खड़ा हो जाते थे आप लाइन अप हो जाते थे आप लाइंस बनाते थे और रोज बनाते थे तो उस सूरत में हम प्रेयर के लिए हम आगे बढ़ते थे या प्रेयर स्टार्ट करते थे लेकिन जब हम उसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसी फॉर्म में नंबर्स को लिखेंगे उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं पहले मैं डेफिनेशन पे आता हूं व्हाट इज एक्चुअली अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर एरे और यू कैन से द अरेंजमेंट एरे मींस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फंक्शन इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स यानी अगर हम नंबर को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रखेंगे उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगा अगर हमारे पास नंबर है नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन टू इंफिनिटी अगर हम इन नंबर को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखेंगे एनक्लोज बाई लॉन्ग ब्रेसिस तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं लाइक like अगर हमारे पास है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इसको हमने एक रेक्ट एंगुलर अरेंजमेंट में लिखा जो एनक्लोज किया गया है विद हेल्प ऑफ लॉन्ग ब्रैकेट्स और यू कैन से लॉन्ग ब्रेसेस, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं कभी कभी आप कुछ बुक्स में देखेंगे ये ब्रैकेट यूज किया गया है लेकिन कभी कभी आप इस ब्रैकेट से भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक like वन फाइव सिक्स सेवन माइनस एट एंड जीरो इस टाइप ऑफ ब्रैकेट से भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन जनरली कहीं कहीं इस ऐसे आप देखेंगे लेकिन जनरली हम मैट्रिक्स को इन बेसिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो क्या है मैट्रिक्स इट इज जस्ट ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ इंग्लिश लेटर्स लाइक ये है राइट कैपिटल एक्स इज इक्वल ठीक है तो मैट्रिज आर रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल इंग्लिश लेटर्स ठीक है अब देखिए यहां पर जो नंबर्स हैं नंबर्स अगर आप देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो हॉरीजेंटल लाइन्स हैं मैट्रिक्स में लाइक ये लाइन दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकेंड लाइन दिस हॉरिजेंटल लाइन्स आर कॉल्ड रोज मैं यहां पर एक मैट्रिक्स लिखूंगा लाइक आई कैन राइट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एट एंड नाइन दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर लेकिन जब हम ये रोज देखेंगे विच आर हॉरिजेंटल टल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज तो यहां पर आपने देखा हाउ मेनी रोज आर देर देर आर थ्री रोज इन दिस मैट्रिक्स ठीक है लेकिन जब हम वर्टिकल लाइन्स की बात करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो ये जो लाइन्स है ये ये और ये इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं कॉलम्स कहते हैं मैट्रिक्स में जब आप प्रेयर के लिए खड़ा हो जाते हैं तो आप लाइंस बनाते हैं रोज बनाते हैं कॉलम्स बनाते हैं लेकिन हम जनरली वहां पे सिर्फ रोज की बात करने करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट द कॉलम्स लेकिन यहां पे मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल लाइंस को रोज कहते हैं एंड वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं तो यू कैन हेयर कैलकुलेट हाउ मेनी रोज आर देयर थ्री रोज हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर देर आर थ्री कॉलम्स तो इस मैट्रिक्स में तीन रोज और तीन कॉलम्स है इसलिए हम कहते हैं दिस इज ए क्रॉस थ्री मैट्रिक्स और समाइम्स यू कैन कॉल इट थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स यहां पर अगर हम देखेंगे यहां पर दो रोज है और कॉलम्स कितने हैं वन टू एंड थ्री तो हाउ मेनी रोज आर देयर टू हाउ मेनी कॉलम्स थ्री सो आई कैन राइट इट एज दिस इज टू बाई थ्री मैट्रिक्स और टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स जिस तरह आप किसी रेक्टेंगुलर रूम uh, का जो उसका फ्लोर होता है उसका एरिया निकालते हैं आप कहते हैं दिस इज टेन बाई ट्वेल्व रूम और ट्वेल्व बाई टेन रूम ठीक है तो उसी उसी तरीके से यहां पे हम मैट्रिक्स को भी डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स के ये जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं पहला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड जो नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर क्या कहते हैं इसको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इट्स ऑर्डर इज टू बाई थ्री न से टू क्रॉस थ्री वट इज दर ऑफ दिस मैट्रिक्स हेर आर थ्री रोज एंड थ्री कॉलम इट्स इज थ्री बाई थ्री और यू कैन से थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ठीक है एक और बात कहना चाहूंगा जो नंबर है मैट्रिक्स में लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन समाइम्स इट मे बी ए फंक्शन और इट मे बी फंक्शन लाइक अगर हम लिखेंगे यहां पर एफ ऑफ एक्स या एफ वन एक्स एफ टू एक्स जी वन एक्स एंड जी टू एक्स ये भी एक मैट्रिक्स है दिस इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन ठीक है नाउ वट आर हाउ मेनी रोज आर देयर देर आर टू रोज हाउ मेनी कॉलम्स देर आर टू कॉलम्स सो आई कैन राइट इट्स ऑर्डर इज टू बाई टू आर यू कैन से टू क्रॉस टू ठीक है तो मैं बात कर रहा था इन नंबर्स की या इन फंक्शंस की इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ठीक है तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस मैट्रिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एलिमेंट्स आर देयर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन दिस मैट्रिक्स आर नाइन यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम दर्डर थ्री इंटू थ्री इज नाइन दैट मीन देर आर नाइन एलिमेंट्स हेयर टू इंटू टू मीन सिक्स देर आर सिक्स एलिमेंट्स यहां पर इंटरेस्टिंग बात आप सीखेंगे जब हम यहीं से आपको कहेंगे कि एक मैट्रिक्स में देर स्टूडेंट्स फाइव एलिमेंट्स हैं यहीं से मैं आपको बताऊंगा एक मैट्रिक्स में फाइव एलिमेंट्स है आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर इट्स पॉसिबल ऑर्डर फाइव रोज लिख सकते हैं एक कॉलम लिख सकते हैं या एक कॉलम एक रोज लिख सकते हैं फाइव कॉलम लिख सकते हैं ठीक है दिस इज दीज आर दिल्ली पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स कंटेनिंग फाइव एलिमेंट्स ठीक है तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि वॉट एक्चुअली मैट्रिक्स इज इट इज सिंपली द रेक्टेन्गुलर अरे और यू कैन से द रेक्टैंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं विद द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा ये जो मैट्रिक्स है अभी हमने जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं इफ वी हैव सो मेनी मैट्रिक्स द प्लूरल ऑफ द मैट्रिक्स इज मैट्रिसीज मैट्रिसीज इफ वी हैव सो मेनी मैट्रिक्स मैट्रिसेस। ओके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात अगर हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्डर ठीक है तो सबसे पहला टाइप जो यहां पे हम डिस्कस करेंगे वो है रेक्ट मैट्रिक्स रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा टाइप जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्क्र मैट्रिक्स स्क्यर मैट्रिक्स पहले रेक्ट मैट्रिक्स और देन स्क्वायर मैट्रिक्स उसके बाद और भी कुछ टाइप्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन पहले जब हम रेक्ट एंगल की बात करते हैं dear students, जब आपने ज्योमेट्री में रेक्ट एंगल की बात की है रेक्टैंगल पढ़ते हैं आप ज्योमेट्री में रेक्ट एंगल इज दैट कॉड रिलेटल इन विच अपोजिट साइड और पेयर ऑफ अपोजिट साइड और इक्वल मैट्रिक्स में भी यही बात है एक मैट्रिक्स को हम रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है जब लेंथ और ब्रेड बराबर नहीं है इन केस ऑफ रेक्टेंगल ज्योमेट्री में जब हम बात करते हैं लेकिन मैट्रिक्स में हम बात करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस थ्री देर आर टू रोज एंड थ्री कॉलम्स तो वट आर द नंबर वट इज द नंबर ऑफ रोज टू वट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री सो द नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स अगर ऐसा है तब हम उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे ये है एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेगुलर मैट्रिक्स बिकॉज वी हैव टू रोज एंड थ्री कॉलम्स सच टाइप ऑफ मैट्रिसीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिस ठीक है अब हम एक और टाइप डिस्कस करेंगे वो है स्क्वेर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि जब आप कंपेयर करेंगे ज्योमेट्री के साथ में हर कोई एक ऐसा रिलेटर है जिसमें हर कोई साइड आपस में बराबर होता है ठीक है तो एंगल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन साइड की जब हम बात करते हैं स्क्वायर में हर कोई साइड बराबर होता है दिस इज द स्क्वायर लेकिन जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट इज Number of rows is equal to number of columns. I can write here a matrix in which number of rows is equal to number of columns. Number of columns. That means, if we write a matrix, dekhenge, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, what is its order? Its order is 3 by 3. कैन से थ्री क्रॉस थ्री तीन रोज है और तीन कॉलम्स है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइप ऑफ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स अब कुछ स्टूडेंट जब हम फील्ड में पढ़ाते हैं या आपके जहन में भी क्वेश्चन आता होगा कि अगर सर ने अभी बात की इट इज अ एंगुलर अरेंजमेंट ये तो स्कैर अरेंजमेंट है यह कैसे मैट्रिक्स हुई ये दिस नाइस क्वेश्चन बट एवरी स्कैयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल ए रेक्टैंगल सो दिस इज ऑल्सो ए रेक्ट सो देर इज नथिंग टू कंफ्यूज अबाउट ठीक है तो यह है स्क्यर मैट्रिक्स इट इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल सो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम स्क्र मैट्रिक्स कहते हैं ठीक है तो पहले हमने डिस्कस किया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देन स्क्र मैट्रिक्स एक और टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जिसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो ऑनली वन रो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्ड रो मैट्रिक्स एग्जाम्पल्ड वन टू थ्री दिस इज अट्रिक्स ऑनली वन रो एंड हाउ मेनी कॉलम्स थ्री कॉलम्स दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और जनरली हम रो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू वन टू थ्री दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रो मैट्रिक्स ठीक है अब अगर आपसे मैं पूछूंगा वट इज ए कॉलम मैट्रिक्स एनालॉगस रिजल्ट आप यहां पे निकाल सकते हैं या एनोलॉगस डेफिनेशन आप बता सकते हैं अगर रो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड है रो मैट्रिक्स व्हाट अबाउट कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम सो एक और टाइप है वो है column matrix column matrix a matrix having only one column there is no restriction on the rows on the number of rows so only mat a matrix having only one column is called a column matrix and column matrices are generally represented by capital c so i can write it as c is equal to 5, 0, 3 and one more element 5, 0, 3, 8. So, how many columns are there? There is only one column. How many rows? 1, 2, 3, and 4. This is 4 cross 1 matrix, and this matrix is an example of a column matrix. So, dear students, hamne rectangular matrix we pada ya sum ki what is rectangular matrix? A matrix in which number of rows not equal number of columns then we discuss about the square matrix a matrix in which number of rows is equal to number of columns then we have the row matrix a matrix having only one row there is no restriction on the number of columns it can have one column or it can have more than one columns this is the row matrix having only one row and example have 1 2 3 वन क्रॉस थ्री मैट्रिक्स और उसके बाद हमने कॉलम मैट्रिक्स भी यहां पर डिस्कस किया अ मैट्रिक्स हैविंग ऑनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ रूस ठीक है नाउ वन मोर टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स या जिसको एक और नाम दिया जाता है नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इज दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैविंग एवरी एलिमेंट इक्वल टू जीरो वो मैट्रिक्स जिसमें हर कोई एलिमेंट जीरो के बराबर हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे एक मैट्रिक्स जीरो 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 and its order is 3 cross 3 it is generally represented by capital english alphabet o so this is the zero matrix or you can say the null matrix there is no restriction on the order of the zero matrix it can have, uh, it can have 2 by 3 order it can have बिगर ऑर्डर इट कैन है सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट ऑर्डर देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपने ये टाइप सीखे होंगे या समझ लिए होंगे अब हम कुछ और डिस्कस करेंगे जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मैट्रिक इज द स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम ज्यादा यूज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं आपके सिलेबस में भी ज्यादा जो कोर्स uh, है वो रिलेटेड है टू द स्क्वायर मैट्रिक्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अभी मैंने डिस्कस किया वक्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स ठीक है तो ये आपने समझ लिया होगा यू कैन कॉपी इट। आपके टेक्स्ट बुक्स में भी डेफिनेशन दी हुई है तो आप जाइए अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए वहां पे देखिए ये और एग्जाम्पल्स के साथ अपने जहन में डालिए ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जब हमने अभी बात की अगर आप रियल लाइफ में भी देखते हैं अगर आप किसी कमरे में जाते हैं उसकी मैटिंग खरीदने के लिए तो आप दुकानदार से कहते हैं कि मेरा एक कमरा है उसकी मैटिंग दीजिए उसकी उसके जो डायमेंशन हैं, वो है ट्वेल्व क्रॉस टेन और यू कैन से ट्वेल्व बाई टेन ठीक है तो दैट मीन्स ट्वेल्व फीट इसकी लेंथ है एंड टेन फीट इसकी ब्रेड है ठीक है या आप कभी कहते हैं टेन बाई टेन यानी एक ऐसा कमरा जिसकी लेंगथ भी टेन है और ब्रेड भी टेन है वो स्क्वायर टाइप रूम कहा जाता है ठीक है मैट्रिक्स में भी जब हम कहते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो वन टू देखिए यहां पे हाउ मेनी रोज थ्री रोज हाउ मेनी कॉलम्स वर्टिकल लाइंस देयर आर थ्री वर्टिकल लाइंस सो देर आर थ्री कॉलम्स इन केस ऑफ मैट्रिक्स वी डिफाइन द ऑर्डर एज द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है अब हम ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अब हम इसके टाइप्स डिफाइन करेंगे या डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस करने से पहले जब हम ज्योमेट्री में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स ज्योमेट्री में जब हम स्क्वायर एक ड्रॉ करते हैं ए बी सी एंड डी ठीक है वेन वी ज्वाइन ए विथ सी आपको याद होगा इस लाइन को कह क्या कहते हैं ठीक है याद है Yes, डेफिनेटली इसको कहते हैं डायगेल ठीक है अगर हम बी डी को भी ज्वाइन करेंगे इसको भी डायगेल कहते हैं लेकिन यही डायगेल अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे अगर हम एक मैट्रिक्स यहां पे लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू द राइट बॉटम कॉर्नर या राइट बॉटम कॉर्नर में जो एलिमेंट्स हैं यहां से यहां तक अगर हम डायगेनल ड्रॉ करेंगे इसको हम मेन डायगेनल कहते हैं लेकिन अगर हम यहां से यहां तक भी एक डायगेनल ड्रॉ करेंगे इसको भी डायगेनल कहते हैं इन केस ऑफ जोमेट्री लेकिन इनकेस ऑफ मैट्रिक्स हम इस डायगेनल को मेन डायगेनल कहते हैं मेन डायगेनल एंड वी डोंट टॉक अबाउट दिस डाइगनल जो यहां पर है फ्रॉम टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर जो uh, ये है डायगनल है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं इट डज नॉट हैव एनी इम्पॉर्टेंस ठीक है तो लेकिन जब हम यहाँ पे टॉप राइट टॉप लेफ्ट टो बॉटम राइट डायगोनल की जब हम बात करते हैं इस डायगोनल को हम मेन डायगोनल कहते हैं और आज के बाद या अब के बाद जब भी हम बात करेंगे डायगोनल की वी मीन द मेन डायगोनल ठीक है सो द नंबर अलोंग विद दिस डायगोनल और कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स सो वन फाइव नाइन आर द डायगोनल एलिमेंट्स द रिमेनिंग एलिमेंट्स टू थ्री सिक्स फोर एट सेवन आर कॉल्ड नॉन डायगेल एलिमेंट सो हाउ मेनी डायगेल एलिमेंट आर हेयर वन फाइव नाइन थ्री हाउ मेनी नॉन आर डायगेल टू थ्री सिक्स एट सिक्स नॉन डायगेल एलिमेंट्स आर देयर ठीक है तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की तो इससे पहले ये जरूरी था कि आपको बताना कि डायगोनल एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स को कहते हैं ठीक है अब सबसे पहले जो हम मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे या टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का उसको हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं डायगनल मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स इज दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट ऑल जीरो डेफिनेशन अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन होता है बाद में जब आप बुक पे भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ डेफिनेशन थोड़ा सा जहन में रखना है मैं यहां पे लिखूंगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे जो है वो जीरो के बराबर होने चाहिए और जो डायगेनल एलिमेंट्स हैं वो नॉट ऑल जीरो नॉट ऑल जीरो का मतलब यह है कि अगर उसमें कुछ एलिमेंट जीरो हों भी लेकिन सारे नहीं होने चाहिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है फाइव जीरो 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 थ्री जीरो 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 एंड वन दिस इज द डायगेनल मैट्रिक्स क्योंकि अगर आप देखेंगे सारे जो नॉन डायगेल एलिमेंट्स हैं वो जीरो है और जो मेन डायगेल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए डायगेल मैट्रिक्स लेकिन अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट element, तीन एलिमेंट्स हैं डायगेल के फाइव थ्री एंड वन इफ एनी वन ऑफ द थ्री एलिमेंट्स इज जीरो नथिंग टू ऑरी आप जीरो ले सकते हैं तब भी ये डायगेनल मैट्रिक्स है आप वन के बल्ले जीरो लिख सकते हैं तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन अगर आपने फाइव को भी जीरो लिया देन इट सी टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इसीलिए मैंने कहा डायगोनल एलिमेंट्स शुड नॉट बी ऑल जीरो सारे जीरो नहीं होने चाहिए कुछ हो भी तो चलेगा ठीक है तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो ऑल जीरो नेसेसरली जीरो एंड diagonal elements are not all zero. So, this is the first type of square matrix. After this, we will discuss one type scalar matrix. scalar matrix. What is a scalar matrix? Scalar matrix is also a diagonal matrix in which all the diagonal elements are non-zero and equal to a scalar. जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आप सम, आपको समझाऊंगा फाइव जीरो 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 फाइव जीरो 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 दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ए स्केलर आर नेसेसरली नॉन जीरो स्केलर ठीक है सच टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स आर सच टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स ठीक है जनरल जो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स उसको हम लिखते हैं लेमडा जीरो 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 लेमडा जीरो 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 लेमडा दिस इज द जनरल स्कैर जनरल स्केलर मैट्रिक्स ठीक है तो डेफिनीशन आपने क्या लिखी डायगेनल मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो होंगे ही जब हम डायगेनल मैट्रिक्स की बात करते हैं दैट इज ऑलरेडी रिटन इन द मैट्रिक्स इन द डायगेल मैट्रिक्स लेकिन इसमें डायगेनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू ए नॉन जीरोकेलर ठीक है तो अब हम एक और टाइप डिस्कस करेंगे यहां पे टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज द यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स एंड अनदर नेम फॉर द यूनिट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज द नेम इंडिकेट्स इट इज यूनिट मैट्रिक्स यूनिट 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 मीनस वन ठीक है हर कोई मैट्रिक्स और यू कैन से हर कोई डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी के बराबर हैं वन के बराबर हैं इस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा ए इज इक्वल वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन ठीक है तो ये है यूनिट मैट्रिक्स इट कैन हैव ऑर्डर टू बाई टू लाइक अगर हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन ठीक है ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ठीक है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जनरली आई से डिनोट करते हैं पहचानने के लिए इसलिए हम ए यहां पे नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे आई आई इज इज इक्वल इक्वल ठीक है या I is equaled, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है थ्री क्रॉस थ्री है आई कैन राइट इट एज आई थ्री और इसको मैं आई टू से रिप्रेजेंट करूंगा ठीक है यह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट कैन हैव ऑर्डर फोर बाय फोर बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी ये है कि इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक अगर मैं फोर भी एक मैट्रिक्स जीरो जीरो वन ठीक है दिस इज फोर बाई फोर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी को इसको भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं Dear students, this was all about the definitions of some matrices and types of matrices or types of square matrix. Hain, uske bare mein bhi padha. In the next lecture, we will be discussing about the different operations on the matrices like addition, subtraction, multiplication on the matrices. This is all for today. We will be meeting in the next lecture. Till then, goodbye.